नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ओनली वन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जियो के तरफ से बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हैं जो आप घर पे भी बैठ करके काम कर सकते हैं, जैसा कि वर्क फ्रॉम होम वो काम कर सकते हैं। जो ट्रू कॉल, जो आपके टेलीकॉलर होते हैं या डाटा एंट्री होते हैं या और भी सारे जॉब, बहुत सारे जॉब हैं जो आप घर में भी रह के काम कर सकते हैं, या पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी हो वहाँ से आप अप्लाई करके अपने घर के पास में जॉब पा सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि आप जियो में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, आप जितना जल्द हो अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये आपके लिए एप्लीकेबल हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अभी हमने सर्च किया है गूगल में जियो कैरियर्स, आप इसे ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप एक आता है जियो कैरियर्स, उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट गूगल में जा करके जियो कैरियर्स जैसे ही लिखेंगे तो ये देख सकते हैं फ्रेंड कि ये आ चुका है जियो कैरियर्स लिखा हुआ, तो यहीं पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जो मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा वैसे ही आप ऐप डाउनलोड करने के बाद भी वही स्टेप्स हैं मैं आपको बताने जा रहा था। ये तो फर्स्ट है कि जो मैंने बताया कि जियो कैरियर्स में ही आपको करने हैं, अदरवाइज आप जियो कैरियर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप यदि गूगल प्ले स्टोर में आप ये सर्च करेंगे जियो कैरियर्स ऐप, तो ये पिंक कलर का सिंबल दिखता है इसमें, तो ये यही डाउनलोड करने हैं फ्रेंड। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ सेकेंड में ही ये डाउनलोड हो जाएगा। बहुत ही कम MB का है, ज़्यादा MB का होता नहीं है ये, तो आपको ये डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप जब ओपन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस मतलब आपको इस तरह का पेज ओपन होगा ऐप में भी, और आप यदि गूगल पे भी सर्च करते हैं जियो कैरियर्स के बाद भी। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, पहले तो ईमेल आईडी और पासवर्ड है, तो आप ये फर्स्ट यूजर्स हैं तो न्यू यूजर्स पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और यदि आपने ये कर लिया है, ये ऐप आप यूज़ कर रहे होंगे तो आपको मालूम ही होगा कि ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वो आपको डाल करके आगे प्रोसीड करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ यदि आप न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं तो आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको फर्स्ट नेम जो आधार कार्ड में होगा फ्रेंड वही लिखना है। आपको कोई भी इधर और उधर का नाम नहीं चेंज करना है, क्योंकि आपको यदि सैलरी मिलेगी कंपनी के तरफ से, पैसे मिलेंगे आप जब काम करेंगे तो आधार कार्ड भी आपका मांगा जाएगा जो कि मैच होना चाहिए। और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी है बैंक अकाउंट, वो सारी वही आप नाम डालेंगे जो आपके आधार कार्ड में है, लिखा हुआ भी है एज पर लेटेस्ट आधार कार्ड, जो आधार कार्ड में अभी आपके नाम दिख रहे हैं वो फर्स्ट नेम वो डालने हैं, सेकेंड नेम लास्ट नेम वो आपको डालने हैं। ईमेल आईडी एक फ्रेंड आप अपना दे सकते हैं, जीमेल आईडी जो होता है। फ़ोन नंबर वही दें जो जियो का नंबर है आपका, जियो का यदि नंबर है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या अदर दूसरा भी नंबर किसी का भी, ज़रूरी नहीं है कि आपका ही ये नंबर होना चाहिए जियो का, ये किसी का भी नंबर होना चाहिए, घर में फैमिली में किसी का भी नंबर होना चाहिए, अदरवाइज आप दूसरे नंबर से भी ट्राई कर सकते हैं इसमें। फिर पासवर्ड फ्रेंड, आपको पासवर्ड में कोई कैपिटल लेटर, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी कुछ स्मॉल लेटर होने चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे @ हैश और उसके बाद 1 2 3 4 5, ये नंबर भी कम्बिनेशन होने चाहिए जब पासवर्ड आप बना रहे हैं, तो ये बातों को ध्यान रखें। नेक्स्ट ऑप्शन है जो कन्फर्म पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड यहाँ पे डाला है वही आपको कन्फर्म पासवर्ड पे आपको क्लिक करके यहाँ पे पासवर्ड वही सेम पासवर्ड डालने हैं कन्फर्म में। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, फिर से ये यही आपको बताया जा रहा है कि जो भी आप यहाँ पे इनपुट डालेंगे एज पर आधार, लेटेस्ट आधार कार्ड के अनुसार ही भरना है आपको फ्रेंड। यदि आपका आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में जो दिया हुआ है यहीं पे वो फिल करना है। ऑलरेडी ये इंडिया सेलेक्टेड होता है, आप चाहें तो आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, अदरवाइज आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी आपको कंपनी की तरफ से आधार कार्ड मांगा जाएगा, तो आप ये चीज़ों को ये बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। तो स्टार जहाँ जहाँ लगा हुआ है फ्रेंड आप देख सकते हैं ये स्टार स्टार स्टार, इसका मतलब ये कंपलसरी है, आपको भरना ही भरना है, ये आपको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। बट आधार कार्ड में देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक छूटा हुआ है या स्टार नहीं लगा हुआ, इसका मतलब कि आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप भर दे तो भी बढ़िया होगा इसमें, ताकि कंपनी तुरंत वेरीफाई कर ले, आपके मैचिंग कर ले, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका जो भी हो इसमें डेट ऑफ बर्थ, तो वो आधार कार्ड यदि नंबर आप डालते हैं तो उनके पास एक ऑलरेडी डेटा सब चीज़ मिल जाता है या पहुँच जाता है। अब यदि प्रोसीड पे आप क्लिक करते हैं फ्रेंड तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा जिसमें आपको लिखा डेटा प्राइवेसी स्टेटमेंट होता है, जिसमें कि आपको एग्री करना होता है। यदि कोई ऐप आप डाउनलोड भी करते हैं या आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें आपको एग्री क्लिक करके चेकबॉक्स होते हैं स्क्वायर जैसा, उसमें क्लिक करके आपको एग्री करना होता है, तो यहाँ पे भी इसी तरह का है जिसमें आपको एग्री करके क्लिक करना पड़ेगा। एग्री पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एग्री पे क्लिक करके, तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन ये ओपन हो जाएगा, मतलब कि आप
अब ऐप को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीलांसर है, जियो स्मार्ट सेल्स ट्रेनी है, बिजनेस ऑपरेशंस है, फ्रीलांसर सेल्स एसोसिएट है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कस्टमर सर्विस है। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड आते हैं। बट आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में होम्स लिखा हुआ है, प्रोफाइल लिखा है और असेसमेंट्स लिखा हुआ है। तो आपको पहले प्रोफाइल पे क्लिक करना है, क्योंकि आपका प्रोफाइल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा तो आप किसी भी जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमने जब जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ये, जिसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें आपका नाम, नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, सारी डिटेल आएंगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, प्रेफरेंस में भी पूछा जाएगा आपका डिटेल, और एजुकेशन में आपका कहाँ तक पढ़े हैं, एक्सपीरियंस है तो फ्रेंड आप लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो जीरो एक्सपीरियंस सबमिट करके भर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी भरना नहीं होता है। यदि आपको ज़रूरत हो, यदि आपको लगता है कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट या कोई अचीवमेंट आपके लिए आपको मिला हो तो प्लीज़ उसको भी आप फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास नहीं है कोई ऑप्शन, या आप फ्रेशर हैं, आपने 10th या 12th किया है तो आप भर सकते हैं। बट याद रहे फ्रेंड, ये 18 साल के बाद ही ये फॉर्म या इसका अप्लाई यूज़ कर सकते हैं। बट ये इससे ये बेनिफिट है कि आप ये फॉर्म भर के या ये ऐप का यूज़ करके आप अपने घर के आसपास में जो जियो का सर्विस है, जियो तो आजकल पूरे पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है ही, तो ये तो होगा ही कि आपके घर के आसपास में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में ये ऑफिस हो गए या आसपास में जॉब होगी, तो आप वहाँ पे अप्लाई करके जा सकते हैं या उसमें मतलब आपका सिलेक्शन हो सकता है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप ये फॉर्म पूरी तरह से फिलअप कर देते हैं, पूरी तरह से आप सबमिट कर देते हैं सारी डिटेल, एजुकेशन डिटेल हो या एक्सपीरियंस हो या पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, तो आपके पास ये ऑप्शन फिर से बैक चल जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बैक जब सबमिट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, होम पे क्लिक करना पड़ेगा। होम पे जब आप जाएंगे जैसे ही, तो आप देख सकते हैं फिर वैसे ही आ चुका है जैसा फ्रीलांसर है, स्मार्ट जियो है। आपको यह क्या करना है, टॉप पे आप देख सकते हैं फ्रेंड एक हाथ का जो एरो बना हुआ है, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में आपका सर्च ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे, सर्च इसीलिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड कि आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तभी आप अपने एरिया में सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप किस एरिया में रहते हैं और उस एरिया में जॉब है कि नहीं। मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मैंने ये एक जैसे ही सर्च पे क्लिक करते हैं, सर्च बटन पे, तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। इंटर कीवर्ड्स हैं, आपके स्किल्स हैं, फंक्शन क्या चाहते हैं, कौन से फंक्शन में आप करना चाहते हैं, लोकेशन कौन सा है, और फ्रेशनेस है या इसमें आपको एक एक दिन का एक्सपीरियंस है, 5 दिन का है, 10 दिन का है, तो आप फ्रेशर है तो फ्रेशर पे भी क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद सर्च पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा है, मैं सिर्फ लोकेशन से ट्रेस करना चाहता हूँ, पता करना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में जियो के तो जियो का रिक्रूटमेंट चल रहा है कि नहीं, या वैकेंसी है कि नहीं, और है तो कहाँ पे है। तो मैंने और कोई भी चीज़ ना भर के सिर्फ मैंने लोकेशन पर भरा है, तो और मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर इसमें बिहार लिखा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड जैसे ही आप लिखते हैं तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन क्लिक हो चुका है, मतलब स्मार्ट सेल्स ट्रेनी है। तो ये ऑप्शन है कि पूरे बिहार में 627 वैकेंसी हैं जो फ्रीलांसर, फ्रीलांसर वो हैं जो घर पे भी बैठ करके काम करते हैं और उनके पास वो इनकम मतलब मिलता है, जो जियो की तरफ से सैलरी मिलती है जो कि आप कमा सकते हैं घर पे बैठ करके। वो बहुत सारे काम होते हैं जैसे टेली कॉलर है, या कोई फॉर्म भरना है, या कोई डेटा एंट्री है, या आपके अंदर में कोई भी नॉलेज है तो आपके पास कंपनी की तरफ से कॉल जरूर आएगी इस फॉर्म को भरने के बाद। तो यहाँ पे फ्रीलांसर, मैंने फ्रीलांसर पे ही क्लिक किया है कि घर पे बैठ करके भी काम कर सकते हैं, तो इस तरह का मैंने एक अप्लाई सर्च किया था। जैसे ही सर्च करेंगे फ्रेंड तो ये ऑप्शन आ चुका है, जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे मैंने बताया 627 फ्रीलांसर का जॉब है अभी बिहार में, पूरे बिहार में। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ जियो कस्टमर एसोसिएट फ्रीलांसर JP, एक कोड होता है ये एम्प्लॉय, मतलब एक है जॉब कोड होता है जिसके थ्रू HR रिक्रूटमेंट करते हैं, आपको बुलाते हैं, कंपनी की तरफ से सिलेक्शन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन भी लिखा होता है JCA बिहार, गया, मदनपुर बिहार, ये लोकेशन पे वैकेंसी है। यहाँ पे जियो कस्टमर एसोसिएट फ्रीलांसर लिखा हुआ है JP जियो पॉइंट पे, ये मतलब आपका ये कोड होता है जॉब कोड, और यहाँ पे देख सकते हैं मुजफ्फरपुर, जलालपुर बिहार। तो इस तरह का और भी बहुत सारे हैं फ्रेंड, 627 है, मैं पूरी तो दिखा नहीं सकता हूँ इस वीडियो में, बट हाँ मैंने ये आपको दो तीन ये जॉब दिखा दी चाहिए इसमें कि आप दो तीन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जैसा कि आप स्क्रॉल जैसे ही करेंगे तो बहुत सारे आपके लोकेशन वाले दिख जाएंगे, मतलब आपके लोकेशन जहाँ रहते हैं आप सर्च स्क्रॉल डाउन मतलब नीचे करके आप देख सकते हैं कि हाँ आपके एरिया में ये जॉब है कि नहीं। तो आपका यदि मान के चलो कि आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं कोई भी, जैसे ही अप्लाई क्लिक करते हैं यहाँ पे फ्रेंड इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा ये।
मैंने जैसा क्लिक किया था, ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो जॉब कोड है 5831, तो मैंने इस पे क्लिक किया है कि मैं गया में रहता हूँ और मैं गया में ही मदनपुर के पास ही रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये जॉब हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे अप्लाई ऑप्शन दिया हुआ है। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे JD लिखा हुआ है, तो ये चीज़ है जो रिक्वायरमेंट है उनके तरफ से कि क्या करना होता है। ये आपके लिखा हुआ है, एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि आपको क्या करना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन है स्किल्स क्या चाहिए, एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो एजुकेशन मालूम चल जाएगा कि इस जॉब के लिए क्या एजुकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक्सपीरियंस क्या चाहिए। बट बेसिकली फ्रीलांसर में एक एक्सपीरियंस नहीं ही ज़रूरत होती है, बट यहाँ एजुकेशन में 10th नहीं तो 12th आप किया हो तो उसी के लिए ये सिलेक्टेड होता है। यहाँ पे स्किल्स पे है कि आपको मोबाइल ऑपरेट करना आना चाहिए या नॉर्मल थोड़ा सा लैपटॉप आप अप्लाई कर सकते हैं, बट लैपटॉप का तो कोई यूज़ नहीं होता है इसमें। आप डायरेक्ट आप यदि मोबाइल भी ऑपरेट करना जानते हैं, बढ़िया तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, नॉर्मल एक एवरेज तरीके से, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड। तो प्लीज़ आप इस एक बार ज़रूर अप्लाई करें। यदि आप किसी भी पैन इंडिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप रहते हैं, या आपके घर में कोई भी फैमिली मेम्बर हैं, या लेडीज़ हैं, या जेंट्स हैं, या कोई बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी हैं, वो इस फॉर्म को या इस ऐप से के थ्रू अपने नियरेस्ट में घर पे बैठ करके कमा सकते हैं। कम से कम तो आप 10 से 15 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं महीने का। तो आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड मैंने ये बताया है इसीलिए कि आप अभी बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है, कम से कम 20 से 22 हज़ार वैकेंसी सिर्फ आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 627 जो है फ्रीलैंसर का, सिर्फ फ्रीलैंसर, तो आप मैंने आपको बताया सिर्फ फ्रीलैंसर का ही जॉब है जो 627 है। पूरे बिहार में आप काउंट भी करेंगे तो लगभग 2000 वैकेंसी सिर्फ बिहार में ही है। तो आप किसी में भी फील्ड में भी आप अपने चॉइस को सूटेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फ्रीलैंसर आपने क्लिक किया और वहाँ पे अप्लाई कर दिया, जैसे कि मैंने क्लिक किया यहाँ पे और अप्लाई कर दिया, तो आप दूसरे में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है फ्रेंड। आप किसी में भी, आपको लगता है इसमें भी अप्लाई करें, इसमें भी करें, इसमें भी करें, तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये वीडियो को आप ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें ताकि जितना जल्द हो अब वो अप्लाई कर सकें और उनका सिलेक्शन जितना जल्द हो वो हो जाए। और इसमें आप जैसे अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा दिन आपको नहीं लगता है, 5 से 10 दिन कंपनी की तरफ से, रिक्रूट की तरफ से आपके पास मेल आती है ज़रूर फ्रेंड। तो आप ज़रूर मेल का आप ट्राई ज़रूर करें। मेल पे आप अपने अब जो भी मेल आईडी आप यहाँ पे देते हैं तो उसकी अपडेट ज़रूर रखें, मतलब आप मेल आईडी जो यहाँ पे देंगे वो बार बार आप मेल 1-2 दिन में ज़रूर देखते रहें कि जियो की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि नहीं, और नियरेस्ट में आपके HR की तरफ से कॉल भी आएंगी तो आप अपना वही नंबर दें जो आप रिसीव कर सकें, क्योंकि कंपनी की तरफ से जब कॉल आएंगी तो वो बताया जाएगा कि वो जियो की तरफ से बात कर रहे हैं और आपने फ्रीलैंसर में गया में या कहीं पे भी आपने अप्लाई किया था तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो आप अपना एक बार विजिट करें जियो के ऑफिस में, या आपको लोकेशन बताया जाएगा कि कहाँ पे विजिट करना है एक बार अपडेट करने के लिए। तो फ्रेंड ये रहा हमारा वीडियो, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और मैंने इसीलिए बताया क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा आई है अप्रैल में ही, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप इसमें एक बार ज़रूर ये अपने फैमिली फ्रेंड में या कहीं पे भी आसपास के लोगों को ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन दे ताकि वो इस ऐप का यूज़ करके या इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में डाल करके भी इसका यूटिलाइज कर सकें अपने स्किल्स। यदि घर में कोई भी बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा भी कुछ नॉलेज है मोबाइल ऑपरेट करने का तो उसका यूटिलाइजेशन, उसका यूज़ या मतलब कहते हैं एक तरह से उपयोग हो सकेगा इस ऐप के थ्रू। तो जियो का बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है, प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर अप्लाई करें। अपने घर में परिवार में कोई भी हैं, लेडीज़ भी हैं, कोई ज़रूरत ऐसा नहीं है कि आप 50 साल से ही लिमिट है या 75 साल का ही लिमिट है, कोई भी अप्लाई कर सकता है फ्रेंड इसमें, ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है। बस हाँ बिलो एज लिमिट है कि आप 18 साल से प्लस होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये रहा हमारा वीडियो आपके लिए, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर कमेंट करें फ्रेंड कि आपको किस तरह का और वीडियो चाहिए, कौन से नॉलेजेबल कौन से फील्ड में आपको ज़रूरी चाहिए, या ये वीडियो कैसा लगा आपको वो ज़रूर लिखें कमेंट में। और आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर तो ज़रूर करें फ्रेंड, और इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।